द 100 मैन कंपटीशन 2022 मैच नंबर 23। अगर हम इस मैच की बात करें ना तो ओवल इनविंसिबल्स वर्सेस बर्मिंघम फीनिक्स के बीच में खेला जाएगा। अगर हम इन दोनों टीमों की बात करें तो जो कहानी रही है ना बिल्कुल सेम रही है। दोनों टीमों ने पांच पांच मैच खेला जिसमें से तीन मैच जीते, दो मैच हारे, दोनों के छः छः पॉइंट्स हैं। मतलब जो टीम यह मैच जीतेगी ना वो तो आगे तो जाएगी लेकिन दूसरी टीम को ना और पीछे धकेल देगी कि बोलेगी चल पे निकल आया बड़ा मेरा पीछा करने। तो इसलिए दोनों टीमें तैयारी जबरदस्त करके आई, यार इस मैच को जीतते हैं आगे जाते हैं, दूसरी टीम को पीछे धकेल देते। लेकिन आपको पता है ना दोनों टीमों की तैयारी कैसे भी हो जो 22 गज की पट्टी होती है जो मैदान होता है ना वो कहते हैं भाई साहब आइए मेरे मैदान पे मैच खेला जाएगा तो मैं बताऊंगा जो मैच होगा ना वो कैसे चलेगा। यहाँ का जो बिहेवियर होगा ना वो तय करेगा कि आज के मैच में कितना स्कोर बनेगा, क्या वो चेज होगा या फिर डिफेंड होगा। तो अगर हम इस मैच की बात करें तो कनेक्टिंग ओवल लंदन में खेला जाएगा तो यहाँ की कंडीशन को बर्मिंघम अच्छे से पढ़ पाएगा या फिर ओवल अच्छे से पढ़ पाएगा जो मैच होगा उसे अपने नाम पे करेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा ये जानेंगे कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आज के मैच में सबसे ज्यादा रन ठोकेंगे, कौन से ऐसे गेंदबाज हैं जो सबसे ज्यादा विकेट निकालेंगे। अगर हमें इनका पता चल जाएगा अच्छा ये रन मारेगा ये विकेट निकालेगा, जो फैंटेसी क्रिकेट की टीम होती है उसको बनाने में काफी ज्यादा आसानी होगी ना, तो फिगर नोट उसके बारे में भी जानेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, जब इंपॉर्टेंट वीडियो है तो जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो यहाँ दिल पे बात लगती है, इसलिए आपका भाई आपके फायदे के लिए टेलीग्राम पर जान लगा देता है जान। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया बहुत ही फायदे महसूस होंगे। अच्छा ऐसा कहते हैं टेलीग्राम पे तो मेरी मत मानो, डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक की मिलेगी, ज्वाइन करो। दो चार मैचों में मेरे साथ काम करना, आपको इतना फायदा होगा ना आप यही बोलोगे पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी कौन सा देर हो गई, सभी मैचों में आपको फायदे में रहना है, सोच लो सभी मैचों में फायदे में रहना तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें। बस एक चीज का ध्यान रखें फेक से सावधान, मेरे नाम पे ना बहुत ज्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए इसलिए इधर उधर और कहीं से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करना। चलो जानते जो आज का मैच होगा इसकी कहानी क्या होगी, स्क्रिप्ट क्या होगी, लेकिन यहां से वीडियो आपको ध्यान से देखनी है ध्यान से समझनी है। कनेक्टिंग ओवल लंदन में अभी तक द 100 के 8 मैच खेले गए जिसमें से 3 मैच में टारगेट डिफेंड हुआ और 5 मैच में टारगेट चेज। मतलब यहां के मैदान पे ज्यादा मैचों में क्या होते हैं टारगेट चेज होता है। एवरेज स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 145-145 रन, टारगेट चेज की बात करें 141-141 से नीचे स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 157-157 प्लस स्कोर बनेगा तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 141 से 157 के बीच में टारगेट होगा आप समझ जाना मामला बराबरी का है, चेज भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग जो चीजें मैं आपको बताता हूं ना कोई और नहीं बता पाएगा। इस मैदान का जो हाईएस्ट स्कोर है फर्स्ट इनिंग का 171 जो कि लंदन स्प्रिट के नाम पर है, लोएस्ट स्कोर यहां पे फर्स्ट इनिंग का 96 ऑल आउट जो कि ट्रेंट रॉकेट्स के नाम पर है। अगर हम यहां के मैदान पे हाईएस्ट टोटल चेज की बात करें तो 157 रन जिसे ओवल ने नॉर्थन सुपर चार्जर्स के सामने 2022 में किया था। लोएस्ट टोटल डिफेंड की बात करें 145-145 रन जिसे ओवल ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के सामने 2021 में किया था। अगर हम इस मैदान की स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 120 के नीचे फर्स्ट इनिंग में दो बार स्कोर बना, 120 से 149 के बीच में फर्स्ट इनिंग में चार बार स्कोर बना, 150 से 169 के बीच में फर्स्ट इनिंग में एक बार स्कोर बना, 170 या इससे ज्यादा फर्स्ट इनिंग में एक बार स्कोर बना। यहां के मैदान पे जो मैच होते हैं ना वो मीडियम स्कोरिंग होते हैं, ज्यादा हाई स्कोरिंग देखने को नहीं मिलते, पता है क्यों? क्योंकि यहां का जो पिच है वो ग्रीन ग्रोस है, ग्रीन ग्रोस होने की वजह से होता है कि जो तेज गेंदबाज है ना उनको न्यू बॉल से यहां के पिच से मोमेंट मिलता है, स्विंग मिलता है, तो उनके सामने शुरू में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है 20-25 या 30 बॉल, लेकिन उसके बाद जो बॉल होता है ना बैटिंग के लिए आसान हो जाता है, जो बॉल होता है बल्ले पे आता है, मतलब शुरू में तेज गेंदबाजों को सीम गेंदबाजों को हेल्प करता है तो बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है। तो मतलब इस मैदान पे किस गेंदबाज को हेल्प करेगा, पेसर और जो गेंदबाज स्विंग करवाते हैं, उसके बाद जो यहाँ का पिच होता है मतलब 20-25 बॉल के बाद बैटिंग के लिए बढ़िया हो जाता है जो कंडीशन है यहाँ की बैटिंग कंडीशन, इसलिए यहाँ पे जो मैच होते हैं ना वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग होते हैं क्योंकि शुरू में ज्यादा रन बनते नहीं, उसके बाद रन बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं। अगर हम आज की मैच की बात करें तो जो पावर प्ले का स्कोर है वो 37 से 42 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर बात करें 100 बॉल स्कोर की तो 140 से 155 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो ओवल इनविंसिबल्स ने 7 मैच खेला जिसमें से 6 मैच जीता, बस एक मैच हारा, मतलब जबरदस्त परफॉर्मेंस करता ओवल अपने घर में, बस एक मैच हारा बाकी 6 मैच जीता, कहता हम ना यहाँ पे जल्दी से हारते नहीं। बर्मिंघम की बात करें तो पहली बार यहाँ आया है खेलने के लिए तो देखने वाली बात होगी क्या बर्मिंघम ओवल को बोलेगा हम अलग हैं हम आपको यहाँ के मैदान पे हरा देंगे या फिर ओवल इनविंसिबल से बोलेगा भाई इम्पॉसिबल मतलब यहाँ पे तो मैं हारता ही नहीं। तो चलो यही जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ओवल की जिन्होंने 5 मैच खेला जिसमें से 3 मैच जीता 2 मैच हारे, अपना पिछला मैच ना ये हार कर आए हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी वो हार के साथ हुई थी लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 3 मैच जीते हैं और पिछला मैच फिर से हार जाते हैं, मतलब जो इनकी गाड़ी जीत पे चल रही थी ना वो हार की पटरी पे आ चुकी है। चेंजेस की बात करते कोई चेंज ना करेंगे क्योंकि एक आता मैच हो जाता है जब प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं निकलती, इसलिए कोई
कोई चेंज ना करेंगे, क्योंकि जो इनकी टीम है ना वो काफी ज्यादा बैलेंसिंग नजर आ रही है। जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है बिल जैक्स और जैसन रॉय आप सबको पता काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी तक इनका बल्ला चला नहीं है। बिल जैक्स काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। सैम विलिंग्स की बात करें, इनको भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन सैम विलिंग्स भी उस तरह के फॉर्म में नहीं दिखे। जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो ये काफी अच्छे लैम है, काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। जो ओवल इनविंसिबल की सबसे मजबूत पक्ष है ना वो इनके ऑलराउंडर है, इनके ऑलराउंडर है टॉम करन, सैम करन और सुनील नारायण। अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये तीनों गेंदबाज हैं जो अपने कोटे के पूरे ओवर डालते हैं, मतलब किफायती भी रहते हैं, विकेट भी निकालते हैं। इसके साथ साथ ये तीनों जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकते हैं और करते भी हैं। सैम करन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, टॉम करन ने बढ़िया बल्लेबाजी करी, सुनील नारायण ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। तो ये जो इनकी टीम है ना ये इनको सबसे ज्यादा बैलेंस देती है, इसलिए जो ओवल की टीम है ना ये काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है। बाकी इनके पास रीस टॉपली और मोहम्मद हसनैन जैसे गेंदबाज है जो अपनी तेजी से सामने वाली टीम को परेशान करते, तो जो इनकी टीम है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बिर्मिंगम फिनिश की बात करें तो इन्होंने भी अपने जो 5 मैच खेले उसमें से 3 जीता 2 हारे, इनके भी 6 पॉइंट्स हैं। अगर हम इनके खेमे में चेंजेस की बात करें तो पिछला मैच ये भी हारे जरूर है, लेकिन मोइन अली कहेंगे ना जी एक आधा मैच तो हो ही जाता है, जब प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो चेंज क्यों नहीं करना, सेम प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। क्योंकि जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है दो नए लड़के आते हैं, माइल्स हेमंड और बिल स्मिथ, ये दोनों काफ़ी गजब की शुरुआत दिलाते हैं। मोइन अली काफ़ी गजब के में, लियाम लिविंगस्टन भी काफी गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैथ्यू वेड, क्रिस बेंजामिन भी इनका साथ देते, तो मतलब जो इनकी बल्लेबाजी जब इतनी ज्यादा कमाल की बल्लेबाजी लाइनअप है तो चेंज क्यों करना। बाकी बेनी हवल की बात करें तो बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाते लेकिन गेंदबाजी काफी ज्यादा कमाल की करते हैं। बाकी इनके पास केन रिचर्डसन जैसे एक ऐसा माहिर गेंदबाज है जो कि लिमिटेड ओवर में ना बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है। इमरान ताहिर जैसा इनके पास एक बिग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है इमरान ताहिर का, उस एक्सपीरियंस का इमरान ताहिर फायदा भी उठाते हैं और इनका साथ देते हैं दो नए लड़के हेनरी ब्रुक्स और टॉम हेल्म। हेनरी ब्रुक्स और टॉम हेल्म की बात करते ये भी काफी बढ़िया अपने सीनियर गेंदबाजों का साथ देते हैं, तो जो बिर्मिंगम फिनिश की टीम है ये भी काफी ज्यादा बैलेंसिंग नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पे दोनों टीमों का कंपेरिजन करें तो दोनों टीमें ना बिल्कुल बराबरी पे नजर आ रही, लेकिन दोस्तों ओवल का घर है और कोई भी टीम होती अपने घर में उसको तो थोड़ा बहुत एडवांटेज तो मिलता ही मिलता है, इसलिए मुझे अभी ऐसा लग रहा है आज के मैच में ओवल इनविंसिबल्स के जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहे हैं। बाकी दोस्तों जो फाइनल प्रेडिक्शन होगी ना वो मैच स्टार्ट होने के 2-3 घंटे पहले मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो मेरा टेलीग्राम आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर डालो। अब हम ये जानते हैं कौन से ऐसे प्लेयर है जो सबसे ज्यादा रन मारेगा और कौन से ऐसे गेंदबाज है जो सबसे ज्यादा विकेट निकालेगा। तो अगर हम यहाँ पे जैसन रॉय की बात करें तो मुझे लगता है जैसन रॉय आज के मैच में बढ़िया पारी खेलने वाले, क्योंकि जो बिर्मिंगम की टीम है ना इनको काफी ज्यादा पसंद है। एक मैच बिर्मिंगम के सामने खेला था, 49 रन मारे थे, तो मुझे लगता है आज के मैच में 40-50 की पारी जैसन रॉय खेलने वाले हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखे, हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करें। बिल जैक्स की बात करें तो मुझे लगता है बिल जैक्स 10-12-15 बना पाएंगे, ज्यादा ना बना पाएंगे, ये फ्लॉप हो सकते हैं आज के मैच में। सैम बिलिंग्स की बात करें तो मुझे लगता है सैम बिलिंग्स भी आज के मैच में 40-50 रन की पारी खेलने वाले, तो सैम बिलिंग्स को भी अपनी टीम में आप जरूर रखें, हो सके तो कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। जॉर्डन कॉक्स की बात करें तो जॉर्डन कॉक्स लगता है मुझे 20-25 रन बना पाएंगे, तो आप इन्हें रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते। हिल्टन कार्टराइट की बात करें तो मुझे लगता है ये भी 15-20 या 25 ऐसे ही मारेंगे, तो आप इनको रख भी सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। सैम करन की बात करें तो मुझे लगता है 20-25 रन तेजी से मारेंगे और गेंदबाजी भी बढ़िया करने वाले हैं, 1-2 विकेट निकालने वाले कौन सैम करन, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें, हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन करते हैं। टॉम करन की बात करें तो ये गेंदबाजी तो बहुत अच्छी करने वाले, 1-2 विकेट निकालने वाले, साथ में 10-12 रन भी मार सकते हैं, तो टॉम करन को भी अपनी टीम में जरूर रखें। बाकी सुनील नारायण की बात करें तो गेंदबाजी तो जबरदस्त करेंगे, किफायती भी रहेंगे, 2-3 विकेट भी निकालेंगे और बल्लेबाजी में मौका मिला तो वहां भी 20-25 रन मारेंगे कौन, सुनील नारायण, तो इनको भी अपनी टीम में जरूर रखें, हो सके तो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। मैट माइल्स की बात करें तो मुझे लगता है मैट माइल्स आज के मैच में महंगे साबित हो सकते हैं, तो इनसे थोड़ा सा बच कर रहे हैं। रीस टॉपली की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा महंगे साबित होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये विकेट भी निकालेंगे, तो आप इन्हें रख भी सकते हैं या इग्नोर भी कर सकते हैं। मोहम्मद हसनैन की बात करें तो मुझे लगता है मोहम्मद हसनैन भी आज के मैच में महंगे साबित हो सकते हैं, हो सकता है विकेट एक आता मिल जाए, लेकिन इसके साथ महंगे साबित होंगे कौन, मोहम्मद हसनैन। वही अगर हम बात करें विल स्मिथ की, तो मुझे लगता है विल स्मिथ आज के मैच में 30-40 रन की जबरदस्त पारी खेलने वाले, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। माइल्स हेमंड की बात करें तो मुझे लगता है 10-12-15 बना के आउट हो जाएंगे, ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, तो इनको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। मोइन अली की बात करें तो मुझे लगता है जबरदस्त 30-40 या 50 रनों की पारी आने वाली है, हो सकता है गेंदबाजी करने आए तो वहां पे एक आधा विकेट भी निकाल के देंगे कौन, मोइन अली, तो इनको अपनी टीम में रखना है और कप्तान या वाइस कैप्टन भी करना है। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो मुझे लगता है ये भी आज के मैच में 60-70 की पारी खेलने वाले तेज तर्रार और गेंदबाजी करने आएंगे, तो एक आधा 2 विकेट भी निकालेंगे कौन, लियाम लिविंगस्टन, तो इनको भी अपनी टीम में आपको रखना है, हो सके तो कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। मैथ्यू हेड की बात करें तो मुझे लगता है 10-12-15 बना पाएंगे, ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, तो आप इनसे थोड़ा सा बच के भी रह सकते हैं या ले भी सकते हैं। बाकी क्रिस बेंजामिन की बात करें
है, तो मुझे लगता है ये भी ज्यादा कुछ ना कर पाएंगे, 10-12-15 मारेंगे, तो आप इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी बेनी हॉल की बात करें तो मुझे लगता है बल्लेबाजी में ज्यादा मौका मिलेगा नहीं, लेकिन गेंदबाजी में किफायती होंगे, एकाध दो विकेट निकालेंगे, तो बेनी हॉल को अपनी टीम में जरूर रखें। टॉम हेलम की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा आज ना ये महंगे साबित होंगे, उस तरह से नहीं चलेंगे, तो आप थोड़ा सा इनको इग्नोर कर सकते हैं। हेनरी ब्रुक्स की बात करें मुझे लगता है ये थोड़ा सा महंगे साबित होंगे, लेकिन इसके साथ एकाध दो विकेट निकालेंगे, तो हेनरी ब्रुक्स को आप देख सकते हैं। बाकी केन रिचर्डसन की बात करें तो ये किफायती भी होने वाले, 2-3 विकेट निकालने वाले, कौन, केन रिचर्डसन, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। इमरान ताहिर की बात करें ये भी जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले, एकाध दो विकेट निकालेंगे और किफायती भी होंगे, कौन, इमरान ताहिर, तो इनको भी अपनी टीम में आपको रखना है। तो हमने ना यहाँ पे सारे प्लेयर्स के बारे में जान लिया कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, कौन फ्लॉप हो सकता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी फैंटेसी क्रिकेट की टीम बनाने में। बाकी आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं, भाई साहब ये रही मेरी टीम, ये जो मैंने टीम बनाई है ना बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद बनाई, होता क्या वो सारी एनालिसिस मैं वीडियो में भी कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे, मैं थक जाऊंगा, इसलिए सारी एनालिसिस पहले कर ली, बस आपके लिए परफेक्ट टीम बनाकर दी है। बाकी अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए तो मैच स्टार्ट होने के 20-25 मिनट पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालें अगर आपको इस मैच की 2-3 टीम चाहिए। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखें, फेक से सावधान, मेरे नाम पर ना बहुत ज़्यादा नकली टेलीग्राम चैनल बना लिए गए, इसलिए इधर उधर और कैसे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, जो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में बस वहीं से ज्वाइन करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की पिच रिपोर्ट, मैच रिव्यू एंड फैंटेसी पिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।